वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ऑलमोस्ट 3:14 इन द आफ्टरनून। अभी अपन लोग निकल रहे हैं पासपुर के लिए। फिलहाल मेरे साथ चल रही है मम्मी चीनू, तो अभी अदिति और हम सब निकल रहे हैं अभी। तो आई गेस 4 घंटे का रास्ता ऑलमोस्ट। लेट्स सी कितना टाइम निकलेगा हमें पहुंचने में। और फाइनल और अपन लेके जा रहे हैं आज आई10। देखते हैं आई10 कितने का माइलेज दे देगी। नॉट श्योर, ऑटोमेटिक वेरियंट है, ऑटोमेटिक वेरियंट की वजह से माइलेज होता नहीं है। पर एक बार यहाँ पर टंकी फुल करा के ना वो कर लेंगे अपन मीटर जीरो, फिर देखते हैं कितना चलती है टंकी में। क्योंकि लास्ट टाइम आई चेक्ड अराउंड 700+ किलोमीटर चल गई थी एक टंकी में। और देहरादून में जब मैं चलाता हूँ टंकी फुल करा के तो 400 किलोमीटर के ऊपर कभी नहीं चल पाई। आज तक नहीं चल पाई है 400 किलोमीटर के ऊपर देहरादून के अंदर। भाई देहरादून की पहली बरसात आ गई है। ड्रिंकिंग करोगे तो ये होता मत। क्या करना है, खत्म ही हो जाओ। मैं कहाँ पहुँच गया जाके लगेगा दूर पक्का। तो भाई अभी तो अपन लोग पहुंच गए गंगा कैनाल रोड पे। ऑलमोस्ट इज 516 नाउ। भाई हमने बहुत कम किलोमीटर कवर किए 2 घंटे के हिसाब से। तो भाई रोड है कि गड्ढे है भाई साहब। ये है ओए भाई उनका खेल भाई। कैसी तो गंदी सी रोड है ये। अच्छी रोड तो वहाँ होती होगी भैया, यहाँ पे रोड ही नहीं होती। ऐसे गड्ढे करे मेन रोड पर कि 100 करके खत्म कर दो। अभी सनसेट हो रहा है बढ़िया करके ना, क्या सुंदर सनसेट। भाई तो हमने खा लिया है अभी फिलहाल। अब अपन लोग निकलेंगे आगे की तरफ, जर्नी कंटिन्यू करेंगे अपनी। अपन लोगों को ये रास्ता कवर करना है, छुट्टू बुट्टू सा रास्ता। ये अपन लोगों को नजीमाबाद लेके जाएगा। नजीमाबाद पहुंचने के बाद आगे का रास्ता कंटिन्यू होगा। अभी तो फिलहाल नजीमाबाद पहुंचते हैं। अभी नजीमाबाद के बाद तो हाईवे बोलता हूँ। थोड़ी सी डीएम को नाइट और अभी अच्छा खासा टाइम हमें लगेगा अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में। अभी भी 50-60 किलोमीटर बताया तो ऑलमोस्ट 50-60 मिनट्स का रास्ता तो मान के चलो कि इतना बचा है अपने पास। तो दिक्कत दिख जाते हैं यहाँ पे कोने कोने में। बाकी पूरा हाईवे तो ऐसे है ना, बिल्कुल रोतरूस है, कुछ नहीं है भाई। ये तो आदमी भूखा आया तो भूखा ही रह जाएगा जिंदगी में। इसमें चलते चलते ना तुम्हें खाने को मिलेगा ही नहीं भाई यहाँ तो। एक बार तुमने नजीमाबाद का क्रॉस किया उसके बाद तुम्हें सीधे खाने को मिलेगा भाई। जब हाईवे खत्म हो जाएगा किसी गाँव घूमे घुस जाओगे तब जाके। उससे पहले यहाँ पे बस खेती खेती है, जाके पत्ते घास खा लो। और जो हाई बीम मारते हैं ना वैसे दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाई बीम तो चाहिए चाहिए, पर ये जो ये है ना गंदी गंदी लाइन की है इसमें बीच में, ये उनके बीच में ये जो बैरिकेडिंग होती है ना इसमें कभी कोई कोई लोहे की ये लगाते हैं, पैनल कोई लगाता है, वो अपनी घास फूस लगाते हैं, पेड़ उगा देते हैं ताकि जो आगे का जो हाई बीम होती है ना वो दूसरे बंदे में ना लगे अपोजिट डायरेक्शन वाले पे। इधर कुछ जगहों में वो है नहीं तो क्या हो रहा है कि आगे वाली गाड़ी आ रही है और उनकी हाई बीम सीधे मुँह पर पड़ रही है, बिल्कुल ही चौंध बचा देती है बिल्कुल। फाइनली अपन ना बासपुर तो पहुंच गए, पर पता नहीं किस चीज़ का जाम लगा हुआ है। रात को इट्स ऑलमोस्ट 8, तो अपन ने टाइम तो सही लगाया था कि 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। बाकी पता नहीं फाइनल क्या हो रहा है आगे। कार ने भी इतना तेल पी लिया है, कितना चल जाएगी। ऑलमोस्ट 228 किलोमीटर अभी चल चुकी है। क्या हो गया भाई, क्यों रुकी क्यों रुके हम। अच्छा रोडें बन रही है, मुझे लगा भाई क्या बच गया इधर। और ये हो रहा है सीन है तो चक्कर में जाम लगा हुआ था। लोग कर ले भाई मुँह पे मारा गया इस बोरे ने। मम्मी भी कह रही रात को मूड नहीं खराब करना। गाइस मैंने बताया क्या किया, मैंने रिकॉर्ड कर रही थी पर मैंने बटन ऑन नहीं किया था। मैं फिर से कर रिकॉर्ड जो मैंने बोला था फिर मैं रिपीट करूँगी। ठीक है, इन्होंने सारा खाना इन्होंने खाया है, हमारी प्लेट कभी इन्होंने खाया। भाई छीन दीजिए है, फिल्टर नहीं खोलोगी क्या अभी, बंद कर दिया। तो सफाई कर दो, यही तो होता है, ऐसा ही तो होता है हमारे साथ। बेइज्जती होती है हमारी अभी देखो। हमने ऑलमोस्ट 224.8 किलोमीटर कवर कर लिए। तो अभी निकलते हैं नैनीताल के लिए। लेट्स सी कितना टाइम लगता है यहाँ से। 60-70 किलोमीटर है नैनीताल। आई होप जल्दी पहुंच जाए। हमारा प्लान है कि नैनीताल घूम के वापस आ जाएंगे, रुकने का कोई प्लान नहीं है। नैनीताल पहले के हिसाब से काफ़ी वाइड कर दिया रोड को, और रोड अभी नई नवेली बनी है। पहले तो गड्ढे देते भाई।
फाइनली अपन लोग यहाँ किराए पे पहुँच गए। यहाँ से नीचे जाएंगे तो रामनगर जाएंगे, हमें जाना है सीधा नैनीताल के लिए। नैनीताल हल्द्वानी सीधा है और नीचे मुड़ जाओगे तो रामनगर। पहले यहाँ पे दुकानें होती थी गन्ने वन्ने वाली और वो सारी गायब हो गई हैं। गन्ने की सोडा की सारी दुकानें थी इधर और रोड चौड़े गन्ने के चक्कर में वो दुकानें गायब हो गई भाई पूरी। देखो भैया हमें यहाँ से मुड़ना है लेफ्ट और लेफ्ट मुड़ते अपन नैनीताल रोड पर जॉइन हो जाएंगे। ये वाली लेफ्ट हम मुड़े और यहाँ पहुँच गई नैनीताल रोड की तरफ। 30 किलोमीटर देखो रोड बड़ी सुंदर है भाई, पर जंगलों के बीच से जाते हुए ऊपर से रोड भी बहुत अच्छी है, साफ सुथरी रोड है, कोई गड्ढे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अभी तक तो भाई बड़ा मस्त एक्सपीरियंस चल रहा है रोड पे, गाड़ी भी मस्त चल रही है। अब देखो बिल्कुल एक तरफा, मतलब यहाँ बाइकों में आता तो मजा आ रहा था। कितने प्यारी प्यारी रोड है, कितने प्यारे प्यारे टर्न है इस रोड पे, मजा आ गया। सुंदर सा पहाड़ियों वाला रास्ता आ गया मस्त करके एकदम। देखो क्या रोड है, बढ़िया एकदम मस्त, मतलब मजा आ गया यार। क्या सुंदर रोड है, मतलब रोड भी एकदम मक्खन है, ऊपर से व्यू इतना प्यारा ना रोड का, क्या बताऊं। बैगर यहाँ भी जंगल वहाँ भी जंगल, बीच में एकदम कैनाल से बनी हुई रोड में जंगल के बीच से होते हुए मजेदार है। अभी फिलहाल अपन का सीन ऐसा है, मोड़ मूड शुरू हो गया तो अभी ऊपर जाके मिलते हैं नैनीताल। बाकी तो बाकी आई 10 इज ओवरटेकिंग आई 10 और ऑटोमेटिक गाड़ी में दिक्कत हो क्या, ये ना पहाड़ियों में मालिश नहीं देती भाई, क्योंकि ऐसे क्या अपने आप चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे एक बड़े गियर पे डाल के छोड़ दूँ ना, अगर एक सर्टन आरपीएम के नीचे गई तो गियर चेंज कर देगी डैक फटैक से। हाँ फिर वो कम्फर्ट भी रहता है एकदम से, घर घर कुछ नहीं होता। बाकी मन तो कर रहा है पूरा रास्ता रिकॉर्ड कर लूँ, कितना सुंदर रास्ता है। अभी आई नो कितना किलोमीटर बचा है, पर अभी ऑलमोस्ट हमने काफ़ी ज़्यादा कर लिए कवर। जितने तो ऊपर जा रहे हो उतना उतना सुंदर होते जा रहा है भाई व्यू, जितना ऊपर जा रहे हो उतना सुंदर जा रहा है, उतनी अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ निकल रही है, उतना अच्छा अच्छा व्यू आ रहा है। अभी तो फिलहाल गाड़ी में सभी सो रहे हैं, गाड़ी में सबके सब बेहोश पड़े हैं, मतलब सो रहे हैं। मम्मी यहाँ सो रही है, पीछे तीनों बहनें सो रही हैं, मैं ही जाग रखा हूँ क्योंकि मैं चला रहा हूँ। बाकी ये देख लो ये अपना व्यू सुंदर सा। बाकी अभी मेरे को जितना याद आया यहाँ पे ना एक वो है एक शिकंजी वाला, तो वहाँ पे रुक के ना थोड़ी शिकंजी पियेंगे फिर निकलेंगे ठीक है। क्योंकि मेरे को लगता नहीं नैनीताल में ऐसा कुछ घूमने का है। नैनीताल देखो हमने इतना घूम लिया ना, मेरा मन नहीं है ऐसा बहुत घूमने का, वहाँ कुछ है नहीं है। बुल्ली थी तो मैंने कहा बुल्ली ने देखा नहीं कभी, तो मैंने कहा दिखा देता हूँ, तो भाई रखे थे आते तो थोड़ा घूम के चल जाएंगे। तो हमारा प्लान ये है कि अभी नैनीताल पहुँचेंगे और वहीं जाके देखेंगे स्टे करने लायक रुके हैं कि नहीं रुके। अगर रुकने लायक लगा तो अपन लोग ऊपर स्टे करेंगे, वरना अपन लोग निकल जाएंगे रातों रात घर के लिए। क्योंकि अभी इज़ ऑलमोस्ट टू अराउंड 2:30 अपन लोग नैनीताल एंटर कर जाएंगे। उसके बाद हमारे पास देखो नैनीताल कवर करने के लिए 3-3.5 घंटे होंगे, जो कि मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है नैनीताल घूमने के लिए। क्योंकि नैनीताल में ऐसा कुछ ऐसा सच कुछ है ही नहीं, मॉल रोड भी ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं, और बोटिंग है, बोटिंग कर लेंगे आधा एक घंटे की और बस हो गया, फिर निकल जाएंगे खा पी के कुछ। तो वही अभी का मेरा जो प्लान, बाकी देखते हैं सबके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, सब बताएंगे क्या प्लान है, क्या सीन करेंगे, क्या बैठेगा हिसाब। फिलहाल तुम देखो व्यू, और आई गेस यहाँ पे भी बारिश होने वाली है क्योंकि देहरादून में तो बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी। बाकी व्यू देखोगे नैनीताल, यहाँ से अपन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर घुस चुके हैं। यहाँ से है नैनीताल क्लब 2 किलोमीटर, सही टाइम लगाया था, 2:14 में पहुँच गया, 2:30 बोलता है मैंने, बट 2:14 तक अपन लोग पहुँच गए। अभी अपन लोग 1 बजे थे तो टाउन 1 निकले थे, तो 1 घंटा 14 मिनट लग गया हमें पहुँचने में ऊपर। ठीक है कितना टाइम ही लगा, गाड़ी उधर लगा दी मैंने, मैं गाड़ी यहाँ लगा के निकल रहे अपन लोग को, अब निकल रहे आगे घूमने के लिए। आगे तो लगा दी गाड़ी मैंने, फिलहाल अभी हमें काफ़ी लंबा चलना है, गाड़ी यार काफ़ी दूर खड़ी कर दी, नींद नहीं मिल रही थी, बैंक लगाया तो उधर भी लगा सकता था मैं। तो फिलहाल भैया अपन लोग भोटिया मार्केट में रख दो, तो खाएंगे भैया नून भी मोमो नून। जिसको भी चिकन मोमो खाने हो भाई वेडनेसडे के अलावा सब दिन खा लो। ये तो शॉपिंग शॉपिंग चल रही है, किट्टू मम्मी और की बस कपड़े लिए जा रहे हैं इधर जो भी है। बाकी अभी यहाँ पे आ गए हम लोग, बगल में मंदिर है अपना नैना देवी मंदिर है हमारा बगल में, और बाकी कपड़ों की यहाँ पे खाने का है, खा भी सकते हैं इधर को तना हो तो। बाकी आगे मॉल रोड है तो आई गेस अभी आगे मॉल रोड घूम के आते हैं, फिर यहाँ बैठ के खा लेंगे थोड़ा बहुत और फिर निकल लेंगे घर की तरफ। तो भाई बोटिंग गाड़ी चलते हैं, भाई दबा के ठंडा हो रहा है, तो जो दबा के ठंडा हो रहा है भाई, तो मैं हाफ स्लीव्स में आ रहा हूँ, बहन को कोई ठंडी नहीं हो रही, उन्होंने ले लिया अपने लिए कंबल से दो, तो मेरा क्या होगा, क्या करना है लेके, अभी आधा घंटे एक घंटे की बात है। चलो आ जाओ चलो मॉल रोड घूमें, मुझे लग रहा है बारिश फूल सुनवा रही मत इधर भी, तो मॉल रोड में ऐसा कुछ है नहीं यार, दुकान ही दुकान है इसकी रोड में, फ़र्क इतना है कि इसके बगल में झील है तो उसका व्यू अलग हो जाता है। क्या ही दिखाऊँ मॉल रोड भी महंगे, मॉल रोड बैंक में तो इतनी इतना घूम गया ना मैं नैनीताल, इस वक्त कितने चक्कर मार दिए नैनीताल के, अब तक फिलहाल यहाँ पे नैनीताल में बारिश शुरू हो गई है,
बूंदा बूंदे गिरने लग गई हैं, तो इट्स बेटर कि अब हम निकल ही जाए, घूम भी नहीं पाएंगे, बोटिंग भी नहीं कर पाएंगे इस वक्त, फिर ज़्यादा वेट करेंगे भी कोई फायदा नहीं, कुछ खाते हैं हल्का फुल्का खा लेंगे। मेरे हिसाब से तो मैं सोच रहा था कि रास्ते में कहीं रुक के खाते हैं नैनीताल उतर के, क्योंकि यहाँ काफ़ी ठंडा होने लग गया। तो फिलहाल अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पर रुक के खाएँ कि नीचे उतर के खाएँ। ओहो भाई ज़्यादा बारिश होगी तो हम निकल भी नहीं पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी निकलने में भी। अभी प्लान था हमारा बोटिंग का, पर वो भी कैंसिल हो गया बारिश की वजह से, तो बोटिंग भी नहीं कर पाएंगे हम। अभी बारिश हो रही है बहुत जब आगे, ना मैं भी जाना है काफ़ी लंबा, जब भी नैनीताल आता हूँ ना बारिश होती है, मेरी किस्मत में लिखा है नैनीताल की बारिश झेलना। भैया तो काम चल रहा है बोटों का, देखो बोट बन गई, गए बोट बन गई। बारिश शुरू, सब वापस आ रहे भगे भगे कि भीग ना जाए, सारी बोटें वापस होगी, सारी घूम गई। फिलहाल यहाँ पे ओले ओले गिरने लग गए, वो गाड़ी भी काफ़ी दूर खड़ी है, तो बस कोशिश कर रहे क्या भीगे ना। प्लान तब खाने वाले लेंगे चल रहे हमने, चूँकि बारिश के चक्कर में, क्योंकि अगर यहाँ पे ओले गिरने लग गए ना, ज़्यादा ठंडा हो गया, ओले ओले गिरने लग रहे, दिक्कत हो जाएगी अपन लोगों के लिए घर निकलना, मतलब घर में आ रहे नीचे, और फंसने का वाला सीन नहीं करना मेरे को पहाड़ियों पर भाई, और मुझे पहाड़ी पर गाड़ी नहीं चलानी बारिश में, तो भी सीरियस। तो अभी क्या करेंगे, नीचे उतरते हुए आराम से कहीं कोई कोने में रोक के ना व्यू के साथ खाएंगे दबा के, तब तक प्लीज स्टे ट्यून्ड, सीधे गाड़ी में मिलता हूँ तुम्हें। फाइनली गाड़ी में पहुँच गए, फिलहाल सीन ऐसा है गाड़ी में बैठ गए, तैयारी है निकलने की। अनएक्सपेक्टेड बोलूँगा कि बारिश हो गई यहाँ पे, ठीक है जो भी है, वैसे कि हमारा ऐसा प्लान नहीं था यहाँ रुकने का, तो वो अपन लोग निकल गए, तो बारिश में अपन लोग नीचे उतर रहे हैं, ठीक है अपना हिसाब से कोई वैसा बुरा नहीं, बरसात ही हुई है और कुछ तो नहीं, पहुँचते हैं मिलते हैं तुम्हें नीचे पहुँच के, बताते हैं आज का क्या प्लान है, क्योंकि अगर अपन लोग 4 बजे 4:30 बजे तक पहुँच गए ना, तो हम पे टाइम ही निकलने का। मेरा बिल्कुल भी जगह जगह वहाँ बीच में आ रहा है, तो भैया फाइनली अपन लोग नीचे पहुँच गए, पूरी पहाड़ी हमने उतर गए हैं लगभग, ऑलमोस्ट हम नीचे पहुँच गए, गाड़ी अपनी मेरी चीनू और गिट्टू सब अंदर बैठे हुए, बाकी ऐसा है देखो ऐसे हम रुके हैं लेमन सोडा पीने के लिए, और अभी अपन लोग निकल गए देहरादून के लिए। लेट्स सी अभी गाड़ी में ऑलमोस्ट आ रही टंकी, थोड़ा सा कम है तेल, देखते कितना कवर कर लेगी। नैनीताल में भी हमने कुछ नहीं करा, नैनीताल भी हम लोग ऐसे गए ऐसे आ गए, नैनीताल तो मोमो खाने गए थे, बहुत बड़ी चीज़ है। जो आज के हम करते हैं इवेंट, वीडियो अच्छी लगी हो दो लाइक से सब्सक्राइब, नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।